तुझको दिया मेरा वक्त सभी। तो हेलो मेरे भाई लोग, यार आपने प्रीमियम तो देख लोगा, इस तरह की रील्स वीडियो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। मेरे भाई लोग, इस तरह की रील्स वीडियो एडिट करने के लिए 2-3 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। देन मेरे भाई लोग, यार वीडियो को स्किप किया तो यार मुझसे मत बोलना भाई, आप वीडियो कैसे एडिट करते हो, क्या करते क्या नहीं करते। चलो मेरे भाई लोग, वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। पहले तो मेरे भाई लोग, आपको पिक्सल ऐप की जरूरत पड़ेगी। पिक्सल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। चलो मैं पिक्सल ऐप ओपन करता हूँ। ओपन करते कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, देख सकते हो, मतलब आपके एरिया में थोड़ा मतलब डिफॉल्ट मतलब कुछ और साइड का इंटरफेस दिखेगा। मेरे पे डिफॉल्ट लिख के आ रहा, आपके में न्यू टेक्स्ट लिख के आएगा, क्योंकि मेरा दूसरा वाला पिक्सल ऐप है एंड मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। आप देख सकते हो ऊपर साइड आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज साइज पर क्लिक कर देना। मेरे भाई पहले इमेज साइज पर क्लिक करने बाद इस साइट आपको 1280 घटा के यहाँ पे 2000 रख देना। ओके मेरे भाई, 2000 होने के बाद आपको पहले मैं इसका कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, जो आपके पिक्सल है में हो कलर वही मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हो मेरे भाई, मैंने कलर भी कर दिया। एंड अब हमने क्या करना है, ये वाली आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टेक्स्ट के आइकन पे आने को, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट पे दोबारा टैप करने को, यहाँ पे आपको लिख देना गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, जो भी आपको पसंद हो वो लिखने को। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैं लिख दे रहा हूँ। जी है ना मेरे भाई, पहले तो फर्स्ट लेटर है उसका जी का, नहीं तो मेरे भाई फंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जी का फर्स्ट लेटर है, मतलब फर्स्ट लेटर है जिसका भी, उसको आपको बड़ा बनाना। ठीक है, एंड मैंने गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ठीक है, इसका एन भी बड़ा बना देता हूँ, गुड नाइट। एंड मैंने गुड नाइट लिख दिया। ओके मेरे भाई, गुड नाइट लिखने के बाद आपको आगे साइट आने को आपको फ्रंट पे क्लिक करना। मेरे भाई फ्रंट पे क्लिक करना, माई फ्रंट पे टैप करना, यहाँ पे आपको एक फंट यूज करना जो कि आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। एंड ये फंड देख सकते हो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। एंड देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, एंड यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरे भाई क्या करना, आपको फिर से टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना, न्यू टेक्स्ट पे दोबारा टैप करना। एंड मेरे भाई यहाँ पे आपको लिख देना गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग मेरी जान, जो भी आपको लिखना, मेरे भाई मेरी जान। ओके मेरे भाई, मैं मेरी जान लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको आगे साइड चलने को, यहाँ पे आपको फंड देखने मिलेगा, फंड पे क्लिक करना, माई फंड पे आपको टैप करना। यहाँ पे आपको एक फंड और ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मैं हर फंड आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ पे आपको चेक कर लेना मेरे भाई। एंड कुछ ये वाला फंड है जो कि आपको मैं दे दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम, इसका भी एम बड़ा कर लेते हैं पहले तो, मेरी मतलब मेरी जान का एम बड़ा। एंड यहाँ से मैंने एम इसका भी बड़ा कर लिया। एंड ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे रख दिया। एंड रखने के बाद आपको इस पर क्या करना, इस पर क्लिक करना, आगे साइड जाना, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा स्टॉक, इस पर आपको टैप करना एंड इसको 11 कर देना। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक वेट, ठीक है, इसको आपको 3 कर देना, एक माइनस पे क्लिक कर देना, एक बार ये 3 हो जाएगी। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आगे साइड जाना, उसकी मतलब जस्ट देख सकते हो बगल में शैडो, इस पर आपको क्लिक करना, इसको इनेबल करना। एंड इनेबल करने के बाद इसकी आपको ऑपोसिटी है ना ये फर्स्ट में, इसको आपको 30 पॉइंट कर देना, 30 से मतलब ज़्यादा नहीं करना, 30 कर देना, थोड़ा मतलब अच्छा लग लेना। ये देख सकते हो मैंने इसका 30 कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने इसको रख दिया मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सब कुछ कर दिया। एंड मेरे भाई आपको क्या करना है, एक बार और आपको क्या करना, ऊपर साइड प्लस पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहले तो आपको फॉर्म गैली पे क्लिक कर देना मेरे भाई। फॉर्म गैली पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको गैली से एक मतलब फोटो वगैरह ले लें, जो कि आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूँगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ओके मेरा भाई, मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना। ये फ़ोटो रही, देख सकते हो मैंने ये फ़ोटो ले ली। एंड इसको यहाँ पे रखने को मेरे भाई, यहाँ पे रख देना, मैंने इस फोटो को यहाँ पे रख दिया। इसको देखो यहाँ पे अच्छे से मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रखने को, गुड नाइट को थोड़ा सा नीचे मतलब अच्छे से एडजस्ट कर लेना इनको। एंड देना मेरे भाई, देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना, इस पर क्लिक करने वाला आगे साइड आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कलर, इस पे आपको क्लिक करना, कलर वाले ऑप्शन पे इसको आपको इनेबल करना। इनेबल करती है राइट कलर मतलब वो वाला रेड कलर हो जाएगा, लाल वाला, ठीक है, आपको जो भी कलर पसंद हो वो आपको चूज़ कर लेना, बट मैं रेडी रहने देता हूँ। यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो मेरा, यहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पे आपको ये वाले आइकन पे आपको क्लिक करना, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना, न्यू टेक्स्ट पे यहाँ पे लाना, न्यू टेक्स्ट को यहाँ पे बीच पे। अब मेरा इस पे आपको 2 बार टैप करना, इन पे आपको 2-3 स्टिकर रख लेने हैं, मतलब जो भी आपको स्टिकर पसंद हो, मैंने को दिल वाले पसंद हुआ तो मैंने दिल वाले रख दिए। एंड ये देख सकते हो यहाँ पे रख दिए। अब मेरा भाई फंट पे क्लिक करना, ये भी फंट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि आपको मतलब इमोजी फंट है इसको बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, देख सकते हो मेरा भाई, अच्छे से इसको आपको रख लेना है।
एकदम यार क्लियर तरीके से पे आपको आप इंस्टा आईडी जो भी आईडी आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो मेरे भाई। चलो मैं इसको अभी बाद में इंस्टा आईडी लिख देना, आपको लिख लो मतलब अभी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको सेव करके दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे आपको ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना एंड ऊपर साइड आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना एंड मेरे भाई आपको सेविंग इमेज पे टैप कर देना। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये डॉट, इस पे आपको क्लिक करना एंड मेरे भाई आपको अल्ट्रा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ अल्ट्रा कर लो भाई, नहीं तो यार वीडियो की मतलब जो कि इसकी क्वालिटी है अच्छी नहीं आती है। सेव टू गैली पे क्लिक करो, ये हमारी सेव हो जाएगी गैली पे। अब मेरे भाई ओपन करो अलाइट मोशन, अलाइट मोशन भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एकदम न्यू वर्जन या लेटेस्ट वर्जन मिलते रहते हैं। प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड को भी ध्यान देना ब्लैक रखना है, 9x16 क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर, बैकग्राउंड कोई सा भी रख लो कोई दिक्कत ही नहीं। एंड यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लस का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना मेरे भाई, इस पर क्लिक करने वाला आपको मीडिया, मीडिया आप क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देख लो एक वीडियो मतलब एक फ़ोटो लेना है जो कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से कोई सा भी फ़ोटो मतलब ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर साइड 3 डॉट पर क्लिक करना एंड फिल कम्पिनेशन एरिया फ़ोटो पर टैप कर दो, ये अपने आप अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी पूरी एरिया पर। एंड मेरे भाई आपको फिर से आपको प्लस पर क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और पहले तो एक साउंड वीडियो ले लेते हैं, साउंड वीडियो ये आ चुकी है, साउंड वीडियो क्लियर पे क्लिक करना एंड ऊपर साइड आपको 3 डॉट पे आपको टैप करना, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा मेरे भाई स्ट्रैक आइडियो, इस पर आपको क्लिक कर देना। ये हो गया स्ट्रैक आइडियो, स्क्रीन पर टच करो यहाँ पे, यहाँ पर टच करने बाद आपको डिलीट कर दो, ये हो गया डिलीट। अब मेरे को इस फोटो को पहले तो साउंड लेयर के बराबर कर लेना, इस पर क्लिक करना और इस आइकन पर कर देना मेरे भाई, ये देख सकते हो हमारा इस पर क्या होगा, ये फोटो भी लास्ट तक हो चुकी साउंड क्लियर के बराबर। अब मेरे भाई इस फोटो पे पहले मैं इफेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करना एंड इफेक्ट पे क्लिक करना मेरे भाई, इफेक्ट पे क्लिक करना मतलब ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको देख लो पहले सर्च बार पे क्लिक करना, एस आई सिंपल करना, ठीक है सिंपल स्टार, देखो मैंने एस आई किया ये वाला इफेक्ट आ गया सिंपल स्टार, इस पर आपको क्लिक करना एंड मेरे भाई स्टैंडर्ड सेटिंग। यहाँ पे ध्यान से देख लो क्या करना मेरे भाई, क्या नहीं करना। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पोजीशन एक्स वाई जेड, ठीक है एक्स वाले पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक की देने को, फर्स्ट में मेरे को इस प्लस पे क्लिक करने को, अब लास्ट पे जाना और यहाँ पे आपको एक की दे देना एंड इसको आपको एक्स को 500 पॉइंट बढ़ा लेना, ठीक है 500 एक्स को नहीं, सॉरी यार एक्स को नहीं बढ़ाना यार, फिर से मैं एक्स को नहीं बढ़ा, ये की हटा लेना है आपको, ध्यान दे लो यार एक्स को नहीं बढ़ाना, देख ले रहा हूँ ठीक है, एक्स को आपको नहीं बढ़ाना मेरे भाई, बाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, सॉरी मैंने एक्स को बढ़ा दिया था, कोई दिक्कत नहीं आप देख लो अभी, मैं तभी तो बोलता भाई वीडियो स्किप मत किया करो यार, कुछ भी मिस हो सकता है, बाई पे क्लिक करना ठीक है, जेड वाले पे सॉरी थी, जेड वाले पे क्लिक करके यहाँ पे एक की दे दो ठीक है, यहाँ पे अब लास्ट पे चले जाओ मेरे भाई, लास्ट पे जाने के बाद इसको आपको वाई को आपको बढ़ा लेना है कुछ 500 के आसपास, ठीक है 500 से ज़्यादा नहीं मतलब 500 बढ़ा लो कोई दिक्कत ही नहीं। एंड मेरे भाई मैंने जैसे कि आपको 500 बढ़ा के दिखा दिया ये देख सकते हो, और यहाँ पे एक की दे देना ठीक है, ये देख सकते हो। अब मेरे भाई नीचे आपको देखने मिले स्केल का ऑप्शन, इसको आप ही आपको बढ़ा लेना है 2 पॉइंट तक, एंड मेरे भाई मैं इसको भी 2 पॉइंट बढ़ा लेना हूँ 2.00 ठीक है। अब नीचे साइज पे आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी ठीक है, फिदर आपको देखने मिल जाएगा ये देख सकते हो, इसको आपको 3 पॉइंट बढ़ा लेना है, इसको मेरे को 3 पॉइंट बढ़ा लेना है। एंड आपको नीचे देख सकते हो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी, यहाँ पे आपको देख सकते हो अमाउंट को आपको 30 ठीक है 25 था 30 कर देना है। एंड मेरे भाई यहाँ पे आपको ब्राइटनेस पे आपको फुल कर देना 5000 तक। एंड मेरे भाई मैंने ब्राइटनेस को भी फुल कर दिया, अब देखते हैं इस पर इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा लग गया ठीक है। अब मेरे भाई फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है, इस फोटो पे एंड इफेक्ट पे क्लिक करना, ऐड इफेक्ट पे सर्च, इस पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना ई एक्स, ओके मेरे भाई ई एक्स मैंने सर्च किया, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक्सपोजर गामा इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना हो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप कर देना मेरे भाई। इस पर मैंने क्लिक किया, इस इफेक्ट को ऑन करता हूँ, इस पर ऑन करने के बाद आपको लेयर के थोड़ा आगे जाना तीन मिनट पे ठीक है 3 सेकंड पे जो भी बोलो 3 मिनट बोलते हैं उसको ठीक है, यहाँ पे इतने आगे जाना और यहाँ पे फर्स्ट में की देना और आप बिल्कुल लेयर के मैंने 3 ही सेकेंड पर गया था 3 सेकेंड 00 इन लेयर के आपके 3 ही मिनट तक जाना ठीक है। अभी ध्यान से देख लो यहाँ पे मैं 3 ही सेकेंड तक गया, अब थोड़ा सा लेयर के आगे बढ़ाना थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं मेरे भाई थोड़ा सा ही बढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या करना 3.3 तक ठीक है, और यहाँ पे एक फिर से की देना एंड फिर से आपको 3.6 तक बढ़ जाना और एक यहाँ पे फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना,
अब यहाँ पे मेरे को बीच वाली की पे आना है, जहाँ पे मैंने 3.3 पे की दिया था। अब बीच वाली की पे आने के बाद इसको आपको एक्सपोजर को 2 पॉइंट तक फुल कर देना। एंड मेरे भाई देख सकते हो फोटो की ब्राइटनेस कुछ ऐसी हो जाएगी यहाँ तक, मतलब फिर यहाँ से घट जाएगी देख सकते हो। अब मेरे भाई लेयर के मैंने 3 पॉइंट तक 3 पर जाने के बाद आपको यहाँ पे 5 पॉइंट पर आने को 5 3 के, फिर से अभी जैसे आपको 3 लगातार की देने को वैसे ही उतने उतने दूर पे, ज़्यादा दूर पे नहीं, फिर से बीच वाली की पे जाने के बाद इसको एक्सपोजर को फुल करने को मेरे भाई। ऐसे आपको 6 पे जाना है, फिर से की देना, जितना हिसाब का आपका साउंड हो उस हिसाब से की दे देना, 4 5 6 जगह पे मतलब दे देना, मतलब ऐसे 3 3 की, ठीक है। और बीच वाली की को आपको फुल करना। ओके मेरे भाई देख सकते हो मैंने इतना कुछ कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई मैंने इस पे इफेक्ट ऐड कर लिया है, इस पे और कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अब मेरे भाई अब हमें क्या लेना, जो हमने पिक्सल लैब से एडिट किया था, प्लस पे क्लिक करो, जो हमने गुड नाइट गुड मॉर्निंग जो भी आपने एडिट किया तो उसको ले लो पिक्सल लैब वाला। एंड मैंने तो ले लिया, ये देख सकते हो मेरा ये आ चुका है। एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लो, जहाँ पे भी आप रखना चाहो बड़ा करके छोटा करके वहाँ आपको रख लो। एंड इसको भी लास्ट तक पहले कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ एंड इस आइकन पे टैप कर देता हूँ। ये देख सकते हो मेरा भाई, ये हमारा अब इस पर मैं इफेक्ट ऐड करना, जो कि आपको देख लो वीडियो यार एकदम यार स्किप नहीं करना, मैं बोल देता हूँ यार वीडियो स्किप कर तो भूल जाओगे। चलो यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ एंड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पे टैप करना है, यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पे आपको पहले तो एक्सपोजर गामा ही सर्च करता हूँ या गॉसियन मिलर, जो भी आपको सर्च करना है, मैं पहले सर्च कर देता हूँ जी, ठीक है, गॉसियन मिलर ये वाला GAU, ठीक है ये वाला, इस पर क्लिक करना। जी मैंने बनाया पहले ही आ गया स्टैंडर्ड सेटिंग। एंड इसको आपको 300% तक बढ़ाओ, पहले तो 300 तक मैंने बढ़ा दिया ना, देख सकते हो आपको भी बढ़ा लेना। प्लस यहाँ पे एक दे दो, इस पर क्लिक कर दो। अब लेयर के आपको 2 पॉइंट थे 3 पॉइंट तक जाना, ठीक है, 2 पॉइंट या 25 तक या 3 पॉइंट तक चले जाओ, 3 पॉइंट तक मैं गया। एंड यहाँ पे फिर से क्लस दिया, प्लस पे देने बाद इसको आपको 0 कर देना, जितना बड़ा है इसको 0 कर दो, बिल्कुल ही 0, जो भी था उससे भी 0 कर दो, बिल्कुल ही 0 कर देना। एंड अब लेयर पे फर्स्ट में आने के बाद आपको फिर से आपको इफेक्ट पे क्लिक करना एंड ऐड इफेक्ट पे टैप करना मेरे भाई। यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना EX एक्सपोजर गामा, पहले भी जो मैं उस इफेक्ट पे लगा चुका हूँ, इस पर आपको क्लिक करना। एंड मेरे भाई आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना। अब इस पर ध्यान से देखो, इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको देख लो इसको ऑन किया, यहाँ पे आपको एक की दे दो, एक्सपोजर को ही देख लो, ठीक है, इसको आपको फुल कर दो 2 पॉइंट तक मेरे भाई, मेरे जैसा मैं बोलूँ वैसा ही कर दो। अब लेयर के आपको 2.25 पे जाना, ठीक है, 2.25 सेकेंड, जो कि आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे कुछ देख सकते हो, 0.0 एंड 2.0 फिर से 0 आपको 2 और 0.25, ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको कुछ इतना जाने को। यहाँ पे की देने को, यहाँ पे की देने के बाद मेरे भाई आपको इसको 0 कर देना, बिल्कुल एक्सपोजर को बिल्कुल ही 0 कर देना, मतलब माइनस पे नहीं लेने मेरे भाई, माइनस नहीं तो लग जाएगा तो गलत हो जाएगा, माइनस मत करना, ठीक है, बिल्कुल 0 करना है, जहाँ पे माइनस भी ना दिखाई दे आपका बिल्कुल 0 हो जाए। एंड आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखता फर्स्ट में। अब फिर से बैक चलता हूँ, बैक चलने के बाद फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना एंड ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना मेरे भाई। यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना GLO ग्लो, मतलब ग्लो स्कैन, ठीक है, ये वाला देख सकते हो मेरे भाई, ये वाला इफेक्ट है, ये आप देख लो, ये वाला इफेक्ट है ग्लो स्कैन ये, ठीक है मेरे भाई, ये देख सकते हो ग्लो स्कैन, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा स्टैंडर्ड सेटिंग वैसे ही करने को। अब इस इफेक्ट को ऑन करने को मेरे भाई, इस इफेक्ट को ऑन करने के बाद ध्यान से देख लो, यहाँ पे की दिया, एंड की देने के बाद लेयर के आना 1 पॉइंट तक, 1 पॉइंट तक आना, यहाँ पे 0.50 होगा, आपको 0.25 कर देना एंड मेरे भाई अपने आप की लग जाएगा, ठीक है, 0.25 कर देना। अब लेयर के 2 पॉइंट तक आने को, मतलब 1.20, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1.20 तक आने को, और यहाँ पे इसको आपको 0 कर देना, ठीक है, 0। अब मेरे भाई लेयर के आपको 3 पॉइंट तक जाने को, 3 पॉइंट, एंड मैं गया 3 पॉइंट तक, 2.25 ही तक जाने को, ठीक है, 3 पॉइंट तक कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको फुल कर देना 1 पॉइंट तक, यहाँ पे देख सकते हो हमारे ये भी इफेक्ट ऐड हो चुका है मेरे भाई। आप देख सकते हो फिर से लेयर पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड ऐड इफेक्ट पे टैप करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे टैप किया, सर्च बार पे क्लिक करते हैं, अब मैं सर्च बार पे WAVE वेव बार पे, ओके मेरे भाई ये इफेक्ट आ गया, देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप कर देना। अब इस इफेक्ट को हम ऑन करते हैं एंड इसको ऑन करने के बाद फर्स्ट में की देना मेरे भाई, फर्स्ट में की देने के बाद यार वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना यार। इसको आपको 3 पॉइंट तक बढ़ा लेना है, 3 पॉइंट तक, 3.00
एंड मैंने इसको बड़ा देर लेकर के आपको लास्ट में जाना है एंड में और यहाँ पे एक के देना है। अब इसको आपको जीरो कर देना है एंड एंगल यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एंगल लेयर के फर्स्ट में आ जाओ और एंड एंगल को भी आपको 15 पॉइंट तक बढ़ा लेना है। अब नीचे जाओ यहाँ पे आपको देख लो स्पेसिंग मैग्नीट्यूड इनको आपको इसको 0 पॉइंट आपको 0 पॉइंट आपको कर देना 4 या 5। ओके मेरे भाई 4 या 5 जो भी आपको पसंद हो स्पेसिंग को। एंड मैग्नीट्यूड को आपको 2.5 कर देना 2.5 मेरे भाई 2.5 या 4 कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एक इफेक्ट और ऐड करना है जो भी लेयर पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको इस आइकन पे टैप करना है एंड यहाँ पे इसका शैडो इनेबल कर दो। एंड शैडो इनेबल करने के बाद साइज को आपको बढ़ा लो 20% तक, अल्फा को आपको कर दो थोड़ा सा कम 70% तक। और कुछ छेड़खानी नहीं करनी मेरे भाई, वीडियो हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब वीडियो सेव करने के लिए तो आपको पता ही होगा यार, इस आइकन पे आपको क्लिक कर दो, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का आइकन देखने को मिल जाएगा, एक्सपोर्ट कर दो। ये देख सकते हो वीडियो हमारी सेव होने लगी है।